हजरत अली की याद में रमजान के 21वें दिन 1 अप्रैल को राजधानी लखनऊ के नजफ से लेकर करबला तालकटोरा तक जुलूस निकाला गया। इस्लामी मान्यता के अनुसार 21वें रमजान के दिन हजरत अली की शहादत हुई थी और उनकी याद में शिया समुदाय द्वारा ताबूत निकालकर मातम मनाया जाता है। इस जुलूस में शिया समुदाय के लोगों की भारी संख्या में भीड़ देखी गई। इतनी भीड़ को संभालने के लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। पुलिस ने भीड़ को संभालने और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्रोन की सहायता ली। जुलूस में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने जुलूस के लिए सारी तैयारियां पूर्व में ही की हुई थी। देखिए, 21वीं रमजान का जुलूस जो है सुबह प्रारंभ होता है और ये नजफ से प्रारंभ होकर के करबला तक जाता है। लंबा रूट होता है, इस रूट को हम लोग पहले ही निरीक्षण करके रूट की जो व्यवस्था होती है उसको भी ठीक करते हैं। सड़कों की मरम्मत से लेकर के बिजली के तारों को ऊंचा करवाना, ये सारी कार्रवाई पूर्व से ही की जा चुकी है। इसके अलावा जो एरिया है कम्प्लीट उसको सेक्टर जोन्स में बांट करके ऑलरेडी पिकेटिंग की जा रही है, जिसमें डिप्टी एसपी एडिशनल एसपी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं, फोर्स को मौजूद रखते हैं, उसकी अटेंडेंस तक चेक करते हैं। इसके अलावा जो जुलूस होता है उसके आगे पीछे भी अधिकारियों को लगाया जाता है और 10 कंपनी पीएसी और 2 कंपनी आरएफ जो है इस कार्य के लिए लगाई गई है, जो जुलूस को बॉक्स फॉर्मेशन में लेकर के बढ़ते हैं और डीसीपी लेवल का अधिकारी यहां तैनात है जो अपने आगे आगे जुलूस के चलते हैं और अपने साथ ले जाकर सकुशल संपन्न कराते हैं। इसके अलावा हमारी ड्रोन से भी निगरानी हो रही होती है। एमडीवी जो है हमारा एक लेटेस्ट जो है एडिशन है हमारी ड्रोन सर्विलांस में, जो इस ब्रिज के ऊपर लगाई गई है, जो पूरा 2 किलोमीटर के एरिया को कवर कर रहा है और कंटिन्यूस 2-4 घंटे तक फ्लाई करता रहेगा और सारी चीज़ों पर निगरानी रखेंगे। सर, ये मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है तो कोई अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, ये सारी निगरानी की जाती है, जितनी छत है और जितने मकान बने हुए हैं इसको ऊपर हम रूफटॉप ड्यूटी लगाते हैं, ड्रोन से भी देखते हैं कि कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु ना रखी हो। सिविल डिफेंस हमारे साथ सहयोग में खड़े होते हैं, जो खुद ही मतलब इसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग होते हैं और साथ खड़े होकर के जुलूस को आगे निकलवाने में हेल्प करते हैं।